नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्समैन 07 में। सेमीफाइनल की एक और वीडियो लेके हम हाजिर हैं जो रेस हुई थी फैज़ाबाद रौनाई में। इस सेमीफाइनल में मुख्यतः जो घोड़े थे उनमें था अपाची घोड़ा दाऊद खान का जो फैज़ाबाद के ही रहने वाले हैं, और एक रॉकेट घोड़ा जो हरे राम मुखिया जी का है आरा भोजपुर बिहार से। काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई, सारे घोड़े एक साथ उठे। सबसे आगे अभी एक कुमैत घोड़ा चल रहा है, दूसरे नंबर पे आज़म सवार है अपाचे घोड़े के साथ। इस घोड़े की इस मेले में काफ़ी चर्चा थी, काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्मेंस भी दिया। तीसरे नंबर पे एक और घोड़ा, बाकी घोड़े पीछे से लगे हुए हैं। मुखिया जी के घोड़े का भी प्रदर्शन अच्छा रहा, घोड़े ने सेमीफाइनल क्वालिफाई करके फाइनल में अपनी जगह बनाई, परंतु घोड़ा थोड़ी मोड़ी पैर की इंजरी से परेशान है और हर चलने वाले घोड़े के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। अभी थोड़ा सा घोड़ा डाउन हुआ है, पैर में उसके काफ़ी इंजरी है, फिर भी उसको हल्का फुल्का टहला घुमा के मेले में लाया गया और घोड़े ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। चाल तो उसकी अच्छी है ही, वो अच्छा घोड़ा है, जाना माना घोड़ा है। बाकी अपाचे ने जो परफॉर्मेंस दिया उससे काफ़ी लोग प्रसन्न हुए। घोड़ा पहले जितना चलता था उससे 2-3 पॉइंट बढ़ गया है, काफ़ी अच्छी रफ्तार आ गई है इस घोड़े में। फ़िलहाल इसकी काफ़ी अच्छे से सेवा पानी की जा रही है, सवार भी खूब मेहनत कर रहे हैं और घोड़ा अच्छी फील्ड जब पाया है तो इसने साबित कर दिया अपने आप को। बहुत अच्छा लड़ा घोड़ा, एक बार शुरुआत में जब घोड़ा निकला तो फिर कोई भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाया पूरे 3 चक्कर की रेस में। और बहुत अच्छी सिंधी चाल में अपाचे ने इस सेमीफाइनल को जीत लिया और दूसरा स्थान दिया गया रॉकेट घोड़े को। रॉकेट घोड़े की बात की जाए तो पिछले साल उसने वो दंगल लड़े और जीते थे जो किसी भी घोड़े के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, पर इस साल घोड़ा जब उसकी स्टार्ट हुई है तो घोड़ा थोड़ा सा पैर से इंजर्ड था। घोड़ा काफ़ी अच्छा है, बहुत रफ्तार है घोड़े में और सवारी भी उन पे वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे सवार हैं, काफ़ी पुराने अनुभव से भरे हुए सवार हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा घोड़ा अनफिट है। उम्मीद है कि घोड़ा अगले दंगलों में आपको दिखे तो फिट होकर दिखे और उसकी रिकवरी पर ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी माइनर सा इंजरी है उसको, बहुत खास इंजरी भी नहीं है, घोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा और अन्य दंगलों में आपको दिखेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं अपाची घोड़े को, मोड़ पे भी बहुत अच्छे से घोड़ा मुड़ा है और सवार आज़म की जो बगधरी है जो बैठकी है काफ़ी काबिले तारीफ़ है। इस घोड़े को बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है, स्टार्टिंग से ही पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ आज़म ही इस घोड़े पर जब बैठे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, और अंत में हाथ उठा के सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए दूसरे नंबर पर रहा रॉकेट घोड़ा। और बाकी अन्य सेमीफाइनलों की वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी, चैनल पर बने रहें, वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।